मैम कल जो हादसा हुआ उसमें एक बच्ची और दो बुजुर्ग थे जिनके इलेक्ट्रिफिकेशन होके उनकी मौत हुई। वहाँ पे जाके अभी मैं विजिट करके आया हूँ। कल मैं बैंगलोर में था तो नहीं जा सका। एक बहुत बुरा हुआ है। मैं डीसी साहब से भी बात किया है तो तीनों फैमिली को मेंबर्स को 2-2 लाख का लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से अनाउंस किए हैं तो वो मिल जाएगा उनको। साथ ही साथ सीएम साहब से बात हुई है और गवर्नमेंट की तरफ से भी और कुछ कंपनसेशन की गुंजाइश है। वह उतना जल्दी इनको कंपनसेशन मिले जैसा देखेंगे। गरीब लोग हैं, मजदूर करते हैं और इनको लाइफ आगे अच्छी होना ये हमारा फर्ज है और ये देख के हम जल्द से जल्द करा के सर कार्रवाई मतलब हेस्कॉम पर होगी या जो घर बांध रहे थे तामिर कर रहे थे जिसकी वजह से हुआ ये हादसा? ये इंटरनल था तो हेस्कॉम के ऊपर उतना लायबिलिटी नहीं आती जी। जो कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डिंग ओनर है, जो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर है जी जी, उनके ऊपर ऑलरेडी एफआईआर हो चुका है और कार्रवाई होगी इसके ऊपर जी जी। लेकिन कुछ हादसे इस तरह से बिजली के तार के वगैरह होते हुए देखे जा रहे, कहीं पर तो हेस्कॉम की लापरवाही नजर नहीं आती है सर? इसमें अंदर हुआ है बिल्डिंग। अच्छा जी, हेस्कॉम के आउटर वायर्स पे कुछ नहीं है, बिल्डिंग के अंदर हुआ है और अंदर थोड़ा नेग्लिजेंस हुआ है जी। और नेग्लिजेंस के हिसाब से लूज वायर्स थे जी, वो हिसाब से एफआईआर किया गया है जी। शुक्रिया सर। साहब और डी सी साहब को बोलते 2-2 लाख रुपये सीटी पर क्या और भी क्या होता है देखिए तो मैक्सिमम मतलब जितने गर्मी होती है बहुत साहब ठीक है। लीगल हेयर का जो डेथ हुआ ना उसका ये कार्ड है बोलते Thank you.
तुम पीछे जाओ पीछे जाओ। हाँ सर यहाँ तो मैं तुझे हमला भी आएगा हमें घर में डीसी साहब से बात किया हो जी? डीसी साहब 2-2 लाख का यहाँ सैंक्शन कर रहे हैं सरकार की तरफ से, और बाकी अभी जो होते हैं सीएम के तरफ से सब से बात करके उनकी तरफ से ज़्यादा कटे हुए जी अलग से जी।